balanced and unbalanced forces. देखो forces हमने देखा कि क्या कर सकते हैं, किसी भी body की speed change कर सकते हैं, direction change कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं या shape change कर सकते हैं. अब हम एक केस डिस्कस करते हैं. मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखा है या टेबल पे रखा है, कुछ भी मान सकते हैं, और इससे दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं. अब मैं अगर यहां से कुछ फोर्स लगाता हूं, ठीक है, ब्लॉक रखा है, दो रस्सियां बंधी हुई हैं उससे, और हमने यहां से फोर्स लगाया, तो कहां जाएगा ये ब्लॉक? कॉमन सी बात है, इस तरफ जाएगा, ठीक है. तो ब्लॉक का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, मान लो ऐसे ही अगर ये ब्लॉक है, मैंने यहां से फोर्स लगाया और यहां से भी फोर्स लगाया, बराबर फोर्स लगाया दोनों तरफ से, एक यहां से खींच रहा हूं एक यहां से, तो अब कहां जाएगा? यहां, यहां, कहीं नहीं, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि जितना फोर्स यहां से लगाया और उतना ही यहां से लगाया, तो ये फोर्स यहां ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला यहां, और दोनों अगर बराबर हैं तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है. अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने इस तरफ एक फोर्स लगाया F1, इस तरफ एक फोर्स लगाया F2, और F1 F2 से ज्यादा है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस तरफ जाएगा. कॉमन सेंस है, हम देखते भी हैं कि दो लोग अगर किसी चीज को खींच रहे हैं तो जो ज्यादा ताकत से फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, उस तरफ ऑब्जेक्ट चला जाएगा. तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ होगा? इस तरफ. तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि मोशन के लिए या स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट मतलब ये रेस्ट पे था, रेस्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, मोशन में लाने के लिए किस चीज की जरूरत है? फोर्स. तो फोर्स तो हमने यहां भी लगाया, तो क्या हम बोल सकते हैं सिर्फ फोर्स की जरूरत है? नहीं. फिर देखो, अब यहां पे क्या है, ये फोर्स है, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है. यहां पे इस फोर्स को बैलेंस करने वाला एक फोर्स था, तो स्टेट चेंज हुई? नहीं. यहां पे इस फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स है, लेकिन ये उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा. बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये उसके बराबर नहीं है. यानी कि स्टेट को चेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमको? अनबैलेंस्ड फोर्स की. और अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तो फिर स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है. तो इसमें हम लिख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टेट मतलब वो वैसे रेस्ट की भी हो सकती है और मोशन की भी हो सकती है. तो किसकी जरूरत पड़ेगी स्टेट चेंज करने के लिए? अनबैलेंस्ड फोर्सेस की. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन ओनली चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ही किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, एक एग्जांपल हम कंसीडर करें. मान लो रफ सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉक्स है. ठीक है, रफ सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. शायद इसको हम थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल लुक देना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये बॉक्स रखा हुआ है. अब इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको धक्का दे रहे हैं,
मान लो हमने फोर्स लगाया, मान लो एक थोड़ा हैवी बॉक्स है तो हमने उस पर फोर्स लगाया, तो क्या फोर्स लगाने से हम कितना भी फोर्स लगाए वो खिसक जाएगा? नहीं है ना। अगर एक हैवी बॉक्स है हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा? हाँ, इसके कारण फ्रिक्शन। अगर रफ सरफेस है तो इस फोर्स को एक फोर्स ऑपोजिट में लगेगा जो बैलेंस कर देगा, जो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। और अगर ये बॉक्स नहीं खिसक रहा है इसका मतलब इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो फोर्सेस क्या हो रहे होंगे? बैलेंस। यानी कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर ही। ठीक है, तो ये जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, कौन सा फोर्स है ये? दिस इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर एक हैवी बॉक्स है, मैंने कुछ फोर्स लगाया, उसको मैंने बोल दिया एफ, और अगर बॉक्स नहीं खिसका इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर देगा? फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा फोर्स अपना और बढ़ा दिया, तो वही बॉक्स है, रफ सरफेस है, मैंने फोर्स बढ़ा दिया, बड़े हुए फोर्स को मैं बड़े एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं इस फोर्स को बोल दूं कुछ, इसको मैं एफ बोल रहा हूं, इसको मैं एफ वन मान लू। ठीक है, तो एरो मैंने बड़ा कर दिया, मतलब फोर्स की वैल्यू मैंने बढ़ा दी। अब मैंने ज्यादा फोर्स लगाया लेकिन अब भी अगर बॉक्स नहीं खिसका, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ गया होगा और किसके बराबर लग रहा होगा? एफ वन। तो ये क्या है? फोर्स लगाया लेकिन ये रेस्ट पर ही रहता है। फिर से फोर्स लगाया, अभी भी रेस्ट पर ही रहता है, तो जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ गया होगा और किसके बराबर लग रहा होगा? एफ वन। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे होंगे। अच्छा, यहां से हम एक और चीज देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो अपनी वैल्यू क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। जैसे यहां पे कम जरूरत थी फ्रिक्शन की तो कम लग गया, यहां पे ज्यादा जरूरत थी तो फ्रिक्शन ज्यादा लग गया। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, वो जरूरत के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे अगर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो फिर फ्रिक्शन लगेगा। अब कई लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन तो लगेगा ही भाई, अगर एक बॉक्स है हमने उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया और वो रफ सरफेस पे रखा है तो क्या फ्रिक्शन लगना चाहिए उस पर? तो कॉमन ये थिंकिंग होती है, अरे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है। मान लो फ्रिक्शन लग गया, मान लो यहां लग गया, यहां लग गया, तो फ्रिक्शन लग गया दैट मीन्स एक फोर्स लग गया, और उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है तो बॉडी तो अपने आप चलने लगेगी। तो कैसा होता है कि बॉडी रखे रखे चलने लगे? नहीं। तो फ्रिक्शन तब लगता है जब जरूरत होती है। जरूरत किस चीज की? चलने से रोकने के लिए। तो हमने फोर्स लगाया तो इस बॉक्स में चलने की क्या आएगी? टेंडेंसी आएगी, तो ये फ्रिक्शन लगेगा जो उस टेंडेंसी को क्या करता है? खत्म करता है। ठीक है, और हमने ज्यादा फोर्स लगाया तब भी अगर बॉडी नहीं चली तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। अच्छा, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिट तक अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। अगर कोई भी बॉक्स है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे जिस पे वो बॉक्स चलने लगेगा। अब मान लो हमने फोर्स और बढ़ा दिया, ठीक है, फोर्स हमने बढ़ाकर F2 कर दिया, लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही लग सकता है। मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं मैक्सिमम फ्रिक्शन, लेकिन ये चलाने वाला फोर्स है F2, ये ग्रेटर है मैक्सिमम फ्रिक्शन से, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से जा रहा है तो बॉडी में मोशन शुरू हो जाएगा, तो फिर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। क्यों? क्योंकि कैसे फोर्सेस आ गए? अब अनबैलेंस्ड। तो यहां पे क्या हो रहा था? बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे थे तो स्टेट चेंज नहीं हुई, यहां पर भी बैलेंस्ड फोर्स लग रहे थे तो स्टेट चेंज नहीं हुई, यहां क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। यहां पे क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
तो इस बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेट चेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। अब जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, तो जब हम पैडल मार रहे हैं तो साइकिल चल रही है। जैसे हम पैडल मारना बंद करते हैं, धीरे धीरे स्पीड क्या होने लगती है? कम। किस कारण से कम होती है? राइट, फ्रिक्शन के कारण। क्योंकि जो सरफेस पे फ्रिक्शन है वो स्पीड को क्या करता है? कम करता है। तो अगर हमें कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैडल मारते रहने पड़ेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि एक कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत है, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक थोड़ा सा हमको गलत फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन भी है। अगर हम पैडलिंग कर रहे हैं और साइकिल एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मतलब क्या होगा कि हम जितना फोर्स पैडलिंग के लिए लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से साइकिल चल रही है, इसका मतलब यह है कि उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि जो स्टेट है एक मोशन की स्टेट, वो कंटिन्यू है। हाँ, अगर हमें वेलोसिटी बढ़ानी है तो हमें पैडल तेज मारने पड़ेंगे। अब तेज पैडल मारेंगे लेकिन फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक लग सकता है, तो फिर स्पीड बढ़ने लगेगी, वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे जो वेलोसिटी को बढ़ाएंगे। तो फाइनली जब इसको डिटेल में स्टडी किया, कुछ चीजों को देखा, तो ये बात सामने आई कि अगर हमें स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलना, उसको चेंज करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अनबैलेंस्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। और अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो वो फिर स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जाने वाला केस हो। ठीक है तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अगर हमें चेंज करना है, दैट मींस वेलोसिटी को चेंज करना है, वेलोसिटी को जीरो से बढ़ाना है, या जल वेलोसिटी है उसको बढ़ाना है या घटाना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, दैट मींस बॉडी का क्या है? एसिलरेशन। सो फॉर एसिलरेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड, फॉर एसिलरेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड, एसिलरेशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है,